नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मुझे भी फाइनेंस बिजनेस करना है, ऐसा हर कोई मुझसे कहते रहता है, जो भी कमेंट में आता है और वो चाहता है कि वो फाइनेंस बिजनेस जरूर कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंस बिजनेस में क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए। सबसे पहले आपका सोच को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आज का ये वीडियो है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या फाइनेंस बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि 2 करोड़ से ज्यादा आपके पास अमाउंट है और आप आरबीआई का लाइसेंस लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप आरबीआई का लाइसेंस वाला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ले सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें 2 चीजें इंक्लूडेड नहीं है, उसका कैटेगरी अलग है एनबीएफसी में, मैं वो भी बताना चाहता हूं आपको। दूसरा चीज ये कि अगर आपको माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस का अगर आपको बिजनेस करना है जो कि आरबीआई के एनबीएफसी के तहत करना है, तो 5 करोड़ का कैपिटल आपके पास कम से कम होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको हाउसिंग लोन का काम करना है, हाउसिंग लोन का जिसमें आरबीआई से भी आपको चाहिए लाइसेंस और नेशनल हाउसिंग बैंक से भी आपको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हाउसिंग के लिए हम लोगों को 10 करोड़ रुपए की जरूरत रहती है, राइट। अब ये तीनों चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा पीयर टू पीयर लाइसेंस भी आपको लेना है, तो आरबीआई के एनबीएफसी के तहत पीटूपी लाइसेंस, जो कि मैंने पीटूपी का वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं पीछे भी, जबरदस्त उसमें काम किया जा सकता है। आज के डेट में जबरदस्त पॉसिबिलिटी है, राइट। ये सारे एनबीएफसी के कैटेगरी जिसपे हम लोग आराम से काम किया जा सकता है, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, नीचे इसका मतलब स्टार्टअप की तरफ आते हैं, जब इतने पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे पास केवल एक छोटा सा अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जान पहचान वाले या फिर अपनी एक ऑफिस खोलकर हम लोग कुछ लोगों को लोन देवे और समय पे उनसे पैसे वसूल करें और हम लोग उससे ठीक ठाक ब्याज कमा ले, जो भी नियम के अनुसार होता होगा। तो दोस्तों, मनी लेंडिंग लाइसेंस आपके लिए, आपके लिए क्या है, मनी लेंडिंग लाइसेंस आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनबीएफसी वाले जितनी भी चीजें मैंने बोली, एनबीएफसी के सारे लाइसेंस का काम हम लोग आपको कराकर दे सकते हैं, जिसके लिए आप थंबनेल में भी जो नीचे बोर्ड नंबर दिया वो उसमें आप लोग जरूर कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये साहूकारी का लाइसेंस जो हम दूसरा बता रहे हैं, साहूकारी का लाइसेंस मतलब मनी लेंडिंग लाइसेंस, इसके लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है और साहूकारी का लाइसेंस डायरेक्टली आपको जाकर लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेट एक्ट से कनेक्टेड है, इसी कारण साहूकारी लाइसेंस आपको लेना है। लेकिन हम लोग ये सबके बिजनेस का ट्रेनिंग देते हैं, साहूकारी का बिजनेस ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी भी चालू, आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज, इसके आगे अगर आपको लगता है कि महिलाओं के समूह को लोन देना है और किसी किसी को छोटा छोटा पर्सनल लोन देना है, तो फिर आपको सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की जरूरत है। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विसेज की जरूरत है, कंप्लायंस की या किसी भी चीज की, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पब्लिक से डिपॉजिट लेना है लीगली और हम लोग उसमें गोल्ड लोन भी देना चाहते हैं, उसमें मॉर्गेज लोन भी देना चाहते हैं, तो फिर निधि कंपनी बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूं कि ऑटो लोन, व्हीकल लोन, ये सारे आप आरबीआई के एनबीएफसी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने साहूकारी का लाइसेंस लिया हुआ है, तो साहूकारी लाइसेंस में आप क्या कर सकते हैं, साहूकारी लाइसेंस में आप अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली है, तो सेम डे अगर आप चाहो तो मॉर्गेज करके काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला चीज है, हमारे पिछले वीडियोस भी आप लोग जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी चीजें मैंने बताई, फाइनेंस का कोई भी बिजनेस आपको करना हो तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं आपका मदद करने के लिए। और इससे रिलेटेड आपको फ्री इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, फ्री इंफॉर्मेशन कमेंट करिएगा। अगर आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप या कॉल करिएगा, तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड होगा, राइट। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, अगर पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए, यह वाली चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं पहले दिन से बैंक से लोन ले लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सच में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। कब, जब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है और उस ग्रुप से निकलकर आप एक बिजनेस करने आ रहे हैं जो कि फाइनेंस का बिजनेस है, और बैंक के पास में ऑलरेडी आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जो व्यक्ति है, ये जिस कंपनी या ग्रुप में ये डायरेक्टर है, वही एक वाला कंपनी बना रहे हैं, और वो रिलेटेड जो भी आपसे लोन से संबंधित जो सिक्योरिटीज लेना होगा, जो इन्फॉर्मेशन लेना होगा, जो ट्रैक रिकॉर्ड को खींचना होगा, जो ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करना होगा, वो सारा चीज करके बैंक आपको लोन दे सकती है। इसके अलावा अगर आप 2 साल 3 साल जबरदस्त काम करते हैं कोई भी फाइनेंस बिजनेस में, तो बैंक आपको लोन देना शुरू कर सकती है। निधि कंपनी वालों को लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स वो उनको मिलने का अधिकार है, जो कि किसी और को डिपॉजिट मिलने का अधिकार नहीं है, इसी कारण उनको डिपॉजिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोन के ऊपर नहीं। माइक्रो फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, उनको लोन मिलता है। साहूकारी वाले को डायरेक्टली लोन मिलना मुश्किल है, उनके पास जो पूंजी है, पूंजी को केवल लगाकर वो बिजनेस करना चाहिए। साहूकारी वाला स्टेट लॉ से कनेक्टेड रहता है, माइक्रो फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस रहता है, निधि
सेंट्रल गवर्नमेंट का निधि रूल्स 2014 है, प्लस उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का सर्टिफिकेशन रहता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जितनी भी चीजें बताई ये सारा लीगल बताया। दोस्तों आपको बिजनेस करना है, मेरी मदद चाहिए, किसी भी लेवल तक आपको मदद चाहिए, चाहे आपको आरबीआई से रिलेटेड कोई सर्विस हो, चाहे सेबी हो, चाहे कोई भी सर्विस फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड आपको चाहिए, तो हम लोग बैठे हैं। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी हम लोग रेगुलर कंसल्टेंसी मॉडल प्रोवाइड करते हैं। आपको जो जैसा हेल्प आप सोच सकते हैं आप जरूर हमसे संपर्क करिए। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।